हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सिग्ना का BS6 जो है, सिग्ना BS6 उसका फोर इंडिकेटर, ठीक है। फोर इंडिकेटर यानी हैजार्ड स्विच और उसका वायरिंग पूरा लाइट तक, इंडिकेटर लाइट तक, ओके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ हैजार्ड स्विच, ठीक है। ये हो गया हैजार्ड स्विच। और देखिए, सिग्ना गाड़ी में दो टाइप का फोर इंडिकेटर का स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच का ये एक कनेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम दो कनेक्टर बना दे रहे हैं, एक ही कनेक्टर लगा हुआ है लेकिन पिन नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया पिन नंबर 6, ये हो गया पिन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया पिन नंबर 3 और ये हो गया पिन नंबर 1, ओके। और एक और जो टाइप का है ना, देखिए ये पिन नंबर 4 और 1 है ना, ये एक लाइट के लिए है, ठीक है। जो आप पार्किंग लाइट ऑन करते हैं ना, तो ये पिन नंबर 1 जो है ना, इसमें ग्राउंड हमेशा रहता है, ओके। और यहाँ जो है ना, यहाँ एक ग्रे कलर का वायर आता है जो पार्किंग लाइट से आता है, तो ये एक लाइट के लिए दिया है कि जब आप पार्किंग लाइट ऑन कर कीजिएगा तो स्विच आपका जलेगा रात में, मतलब दिखेगा, ठीक है। और कोई इसमें लाइट नहीं है, लेकिन और एक टाइप का जो स्विच है ना, उसमें एक और लाइट दिया हुआ है, तो उसका भी हम वायरिंग दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वो लाइट, और ये हो गया पिन नंबर 2 और ये हो गया पिन नंबर 5, ओके। तो पिन नंबर 2 में भी ग्राउंड है, ठीक है। पिन नंबर 2 में ग्राउंड है, और पिन नंबर 5 में क्या किया है, पिन नंबर 5 में देखिए, ये जो इंटरनल कनेक्शन स्विच का है, ये पिन नंबर 6 जो है, पिन नंबर 3 को ग्राउंड देता है, ठीक है। जब आप स्विच ऑन कीजिएगा तो पिन नंबर 6 में ऑलरेडी परमानेंट ग्राउंड रहता है, और जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा ये ग्राउंड 3 में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग नीचे आएगा और इसमें टच हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और इसमें ग्राउंड आ जाएगा। तो ये वाला जो है ना, ये चला जाता है डायरेक्ट VECU में, ठीक है। लेकिन जो एक और स्विच है जिसमें एक और लाइट लगा हुआ है, तो ये वाला जो करंट है ना, जो VECU, देखिए यहाँ पे हम VECU बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा VECU का कनेक्टर, ठीक है। और कनेक्टर का देखिए, VECU में दो कनेक्टर लगा हुआ है, ये हो गया कनेक्टर नंबर 2, ओके, और उसका पिन नंबर G1, ठीक है, पिन नंबर G1 कनेक्टर नंबर 2 का, ओके। और इधर पे दो कनेक्टर बना दे रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ओके। ये कनेक्टर नंबर 1 और ये कनेक्टर नंबर 2, ओके। अब कनेक्टर नंबर जो 1 है ना, देखिए यहाँ पे कनेक्टर नंबर 1 से सिर्फ एक ही पिन आता है, ठीक है, M3, पिन नंबर M3, ठीक है, पिन नंबर M3, ओके। और उसके बाद से पिन नंबर 2 का 3 पिन होता है, A4 और है एक E1 और एक है F1, ठीक है, A4, E1 और F1। और ये देखिए, ये किस किस चीज़ का है, देखिए पहले इसका वायरिंग का कलर हम देख ले रहे हैं, ये ब्लू कलर का है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है। और लेफ्ट साइड का LH, ठीक है, लेफ्ट साइड का फ्रंट और साइड, ठीक है, रेयर का नहीं है, ये फ्रंट है और साइड है, यानी फ्रंट का और साइड का इंडिकेटर का वायर जो है ना, यहाँ से गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड का सिर्फ, ठीक है। और ये जो A4 है ना, ये ग्रीन कलर का वायर, ठीक है, और ये है RH का, RH भी, ये फ्रंट और साइड, ठीक है, फ्रंट और साइड, ये दोनों लेफ्ट और राइट का फ्रंट और साइड है, ठीक है। और नीचे वाला जो दोनों है ना, ये रेयर का है, ओके। जो पिन नंबर E1 है ना, ये है ग्रीन पे रेड कलर का वायर, ठीक है, ग्रीन पे रेड कलर का वायर, और ये रेयर का है, मतलब रेयर का RH, ठीक है, RH राइट साइड का रेयर का इंडिकेटर है, ठीक है। और ये है ब्लू पे ग्रीन, ब्लू पे रेड, ठीक है, ब्लू पे रेड है, ये भी रेयर का है, लेकिन ये है LH, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का रियर का हो गया, मतलब पीछे का इंडिकेटर लाइट हो गया, ठीक है। और ये दोनों साइड और फ्रंट का है, लेफ्ट और राइट का, ठीक है। और देखिए, अब ये इसका वायरिंग कलर कोड हो गया, ये जो वायर है ना, इसका वायरिंग का कलर है ग्रीन पे येलो होगा, ठीक है, ग्रीन पे येलो कलर का वायर होगा, ये इनपुट है, ठीक है। इसमें जैसे ही ग्राउंड आएगा ना, तो ये चारों पिन में बिलिंग करने वाला पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये जो लाइट है ना, लाइट के पास परमानेंट ग्राउंड दे के रखा है, ये वायर डायरेक्ट चला जाएगा लाइट के पास और लाइट बिलिंग करने लगेगा, मतलब जैसे इंडिकेटर लाइट ऑन ऑफ होता है वैसे इसमें से करंट निकलता है, ठीक है, इसमें फ्लाशर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ओके। तो देखिए, ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, जैसे इंडिकेटर लाइट से जो बाहर निकल रहा है, तो इसी में से कोई एक वायर, ठीक है, कोई एक वायर से एक आया है पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ करके डायरेक्ट यहाँ 5 पिन में लग गया, ठीक है। मैक्सिमम गाड़ी में ये 5 पिन और 2 पिन नहीं है, ठीक है, ये कुछ गाड़ी में है, ओके, ये BS4 में था सभी गाड़ी में, लेकिन BS6 में कुछ गाड़ी में है, नहीं है लगभग, ठीक है, हम बहुत कम देखने को मिला है। तो यही वाला वायर, इसमें से कोई एक वायर ला करके यहाँ पे दे देगा, तो जैसे ही आप इंडिकेटर लाइट ऑन कीजिएगा, ये वायर, ये वाला लाइट जो है, ये भी बिलिंग करने लगेगा, ठीक है। और देखिए, इसमें फ्यूज और रिले तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी वायर आपका बॉडी से टच होता है ना,
तो ये जो भी ईसीयू है, ठीक है, भी ईसीयू जो है ये इधर पॉजिटिव देगा ही नहीं, ठीक है, ये पॉजिटिव इधर से निकालेगा ही नहीं, जिस वायर में मतलब ग्राउंड आ जाएगा उसमें पॉजिटिव ये नहीं देगा, ठीक है, और उसका फॉल कोड दे देगा, क्योंकि भी ईसीयू जब आप कनेक्ट कीजिएगा तो उसका फॉल कोड दिखेगा। ओके, तो ऐसे काम करता है हैजार्ड स्विच, ठीक है, हैजार्ड स्विच, और ये फोर इंडिकेटर, ठीक है, फोर इंडिकेटर का वायरिंग ऐसा हुआ है, उसका वायरिंग कलर कोड यही है, ठीक है, ये सब जितना ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये सब ब्राउन कलर का वायर है, ठीक है, ब्राउन कलर का वायर, टाटा मोटर में ब्राउन कलर का जो वायर है वो अर्थिंग का वायर होता है, ठीक है।